सबसे सनसनीखेज तस्वीर आई है सामने। प्रेसिडेंट हाउस में प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा गया। शॉट दिखाएं, ये देखें आप। सुरक्षा कर्मियों ने गेट के अंदर घुसे प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह पीटा, ये देखें आप। प्रेसिडेंट हाउस में घुसने की कोशिश करते नजर आए प्रदर्शनकारी, ये देखें आप। बाद में प्रोटेस्टर्स ने पूरे प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया था। ये कल की तस्वीरें हैं, ये कल की तस्वीरें। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए, और इसके साथ अभिषेक को भी लेके आइए मेरे साथ। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए अभिषेक। ये कल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हालात जो अभी आप बता रहे हैं उससे सीधे सीधे लगता है कि वहां पर अब किसी के भी कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये जो लोग हैं दे हैव टेकन चार्ज। निशांत, मैं आपको ताजी तस्वीर दिखा दूंगा, मेरे साथ आइएगा चेतन। इस तरह से युवा जब इसमें घुसे हैं, ये जो राष्ट्रपति का कार्यालय है, इसमें घुसने के बाद हुआ क्या, ये आप देखेंगे तो आपको इस गुस्से की आग के स्केल का पता चलेगा। देखिए, अब मैं इसके अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, और देखिए ये सारी ग्रिल जो है ये उखड़ी हुई है। यहाँ पर ग्रिल हुआ करती थी निशांत, ये ग्रिल उखड़ी हुई है। चेतन आगे अंदर आइएगा, और ये देखिए ये उखाड़ करके यहाँ फेंक दिया है, एक लाइन से सारी ग्रिल लगा दी है। ये जो इसका इसकी बाउंड्री हुआ करती थी ये सब उखाड़ दी गई है, और ये सब युवाओं ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। श्रीलंका का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है। और चेतन थोड़ा सा और आगे आइएगा, मैं आपको ये सीढ़ियों पर आप तस्वीर देखिए। यहाँ सबसे मार्क करने वाले हैं, बात है कि कौन लोग बैठे हैं, सब आपको युवा चेहरे दिख रहे हैं। देखिए ये सारे यंग, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी ही यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये है सीढ़ियाँ, राष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट की सीढ़ियाँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वहाँ पर जद्दोजहद चल रही है इसके अंदर घुसने के लिए। टॉप पर देखिएगा, अंदर घुसने की जद्दोजहद है, और यहाँ भी हमको सारे जो युवा हैं उनकी यहाँ पर भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो एक तरह का ये जन सैलाब है, और इस सैलाब के केंद्र में यहाँ का युवा है। सबसे अधिक गुस्सा राष्ट्रपति के, आपको अंदाजा नहीं होगा क्योंकि आप वहां पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां पर आप जुड़े हुए हैं, यही फ्रेम रखिए प्लीज, जहां पर आप जुड़े हुए हैं वही फ्रेम रखिए। वहां से अभिषेक लाइव है, और कल जो वहां के हालात थे वो ब्रेकिंग और शॉर्ट्स नीचे देखे आप, एम्बियंस आप करें। ये अभिषेक वहां पर है जहां पर अंदर घुसने के लिए कल के हालात थे। मैं सीधे चलूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट्स के साथ। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ है। सर सबसे पहले व्हाट इज द फ्यूचर, इस भीड़ के अंदर से नेता निकल कर आएगा, क्या होगा, क्योंकि सारे नेता तो वहां पर भाग गए। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपने बाकी जो विशेषज्ञ बनाए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे भी। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वायलेंस की, आई एम नॉट श्योर ये कल की हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने मई में देखा था जब वो गोटा पोटा प्रेसिडेंट ने अपने गुंडे अनलीश कर दिए थे ऑन दी पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हो सकता है तब के हो सकता है ये नए हो। आपका सवाल व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, सर जैसा आपके संवाददाता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, यंग पीपल हैव टेकन ओवर। कभी भी क्रांति आती है, अरब स्प्रिंग आपको याद होगा 11 साल पहले शुरुआत हुई थी, एक 21 साल के ट्यूनीजियन एंटरप्रेन्योर इंजीनियर था, लेकिन वो सड़कों पे सब्जियां बेचता था, फल बेचता था, उसके साथ शुरुआत हुई थी। बाय एंड लार्ज जो अरब स्प्रिंग हुआ है, जिस देश में यंग लोग फोरफ्रंट पे रहे हैं, सूडान में मैं आपका राजदूत था, मैंने ये देखा हुआ बहुत। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ दीपक सर, प्लीज पार्डन मी, एक बड़ी खबर आ रही है, आई एम कमिंग बैक टू यू सर। श्रीलंका के विद्रोह पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कब्जे को लेकर श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों की दो टूक, जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देंगे प्रदर्शन जारी रखेंगे, इस्तीफे के बाद ही राष्ट्रपति भवन खाली करेंगे। मतलब सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन जारी रखेगा। मैं सीधे चलूंगा इस खबर के ऊपर, एक क्विक रिएक्शन अभिषेक से, फिर दीपक सर के पास आ रहा हूं इसी खबर के, और इसके विजुअल्स कल वाले जाकर हमारे पास हो पाए। अभिषेक, जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देंगे प्रदर्शन जारी रखेंगे, ये लोग क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली यही टोन है लोगों की, और देखिए तरीके में आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन आपको मैं काले झंडे दिखा रहा हूँ, ये दिखाएगा चेतन, ये देखिए ऊपर काले झंडे टांग दिए गए, जितने भी लैंप पोस्ट हैं यहाँ से लेकर और आगे आगे दिखाइएगा, हर जगह विरोध के स्वरूप
काले झंडे टांग दिए गए हैं और ये लगातार इस बात का लोग डिमांड कर रहे हैं कि हर हाल में रिजिग्नेशन देना ही चाहिए, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये और मैं अभी जैसे आगे बढ़ूँ, आपको भाषणों की आवाज़ें आ रही हैं, आगे भाषण हो रहा है उसमें लोगों को यही बात कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। देखिए ये पूरी जगह ये जाम हो चुकी है, ओके, जाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों ओर से लोग आ रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, इस सब के बीच में एक मेथड दिखाई दे रहा है, मैं उसको जानने की आपसे कोशिश करूंगा। एक्सीलेंट कवरेज दीपक साहब, प्लीज गो अहेड, आई एम सॉरी आपको बीच में रोका मैंने, अभी ये खबर आ रही थी, प्लीज गो अहेड साहब। ये बहुत जरूरी है, ये गोटा पोटा कहता है कि मैं 13 तारीख को इस्तीफा दूंगा, 3 दिन क्यों रुकना है? शायद उसका जोशी जो पिंग पोंग है बीजिंग में बैठता है, कहता है 3 दिन में कुछ और पैसे लेके वहां से भाग जाइयो। आज भी खबर आई है कि उसके पैलेस में बहुत सारे पैसे मिले हैं। ये जो यंग लोग हैं सर, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इजाजत दें तो मैं एक आपको मैसेज पढ़ देना चाहता हूँ। एक श्रीलंकन जनरल जो मेरे साथ 1991 में नेशनल डिफेंस कॉलेज कर रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज ये कल भेजा था, अम्बेसडर दीपक यू वर राइट, द पीपल हैव सीज्ड पावर, ये उनका एक था। और आज सुबह उन्होंने मुझे एक और बड़ा दिलचस्प मैसेज भेजा है, दैट रावण हैज गॉन, वी नाउ नीड राम, कैन यू क्लोन नरेंद्र मोदी एंड सेंड अस एन इमेज, ये उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं कहा है। दे वॉन्ट नरेंद्र भाई मोदी टू कम एंड रिस्टोर सम काइंड ऑफ सैनिटी इन दैट कंट्री। क्या होने वाला है, गलती से सब लोग जानते हैं, बहुत इसके एनालिसिस हैं, गलत पर्सनालिटी भूखा है, भ्रष्ट है, गलत पॉलिसीज, आपने कृषि को मार दिया, आपने टैक्स कम कर दिया, आपने सब कुछ चीन पे छोड़ दिया और आपने गलत प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। आगे का रास्ता सर ये आपके जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, टुडे आई एम अ प्राउड श्रीलंकन। ये जो प्रोटेस्टर्स प्रेसिडेंट के पैलेस में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंट, उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की सर, उन्होंने वहां कुछ चीज का किसी चीज को नहीं तोड़ा, ना छीन के ले गए हैं,